डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को। ठीक है, तो 12th में हम लोग जो केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो ज़रा हम लोग बताते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में ईथर को पढ़ रहे थे और ईथर को पहचानने के लिए भी सीख गए कि ईथर क्या होता है भाई। तो ईथर में एक ऑक्सीजन एटम होता है और दूसरी तरफ दूसरा कार्बन का चयन होता है, एक तरफ भी कार्बन होता है, दूसरे की तरफ भी कार्बन चयन होता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चयन होता है और एक तरफ R और दूसरी तरफ R' होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये इसका जनरल फार्मूला होता है और इस जनरल फार्मूला में हम ये भी सीखे हैं कि दोनों तरफ सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो पिछले दिन हम लोग ईथर के IUPAC नाम से रिलेटेड कुछ रूल्स नियम को पढ़े थे। अब आइए उसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है CH3 है, फिर एक ऑक्सीजन, फिर दूसरा है CH3। ठीक है, अब अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम पहला जो रूल्स पढ़े हैं वो ये कि ऑक्सीजन के जिस ओर कार्बन की संख्या ज़्यादा होगा उधर ही हम लोग PC चुनेंगे। तो ऑक्सीजन के इधर भी एक कार्बन है, ऑक्सीजन के दूसरे तरफ भी एक कार्बन है, तो हम लोग इसको PC बना दिए। किसको भी PC बना सकते हैं क्योंकि एक एक कार्बन है ना, तो हम किसी को भी PC बना दिया, इसको PC बना दिया। अब PC में एक ही कार्बन है तो आप एक नंबर दे दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमको नाम लिखना होगा, तो हम बहुत रूल्स को पढ़े थे इधर कि अगर OCH3 जुड़ा रहे तब हम इसको मेथॉक्सी कहते हैं, OC2H5 रहे तो इसको हम लोग एथॉक्सी बोलते हैं, OC3H7 रहे इसको प्रोपॉक्सी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब सारा जो रूल्स है यहाँ पे अप्लाई होगा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोग कार्बन चेन चुने हैं इससे क्या जुड़ा हुआ है, इधर इधर देखिए, तो OCH3, तो इसका नाम क्या हो गया, OCH3 के लिए नाम हम लोग मेथॉक्सी पढ़ रहे हैं, तो इसका जो नाम हो गया वो हो गया मेथॉक्सी। और कितना कार्बन का चेन है, एक कार्बन का चयन है, तो एक होता है मेथ, दो होता है एथ, तीसरा होता है प्रोप, तो ये हो गया मेथॉक्सी और मेथेन, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि ईथर वाले में लास्ट में एन जोड़ा जाता है सफिक्स के रूप में, तो ये मेथॉक्सी कह दिए और मेथेन हो गया, तो इसका नाम हो गया मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है, दूसरा CH3, फिर CH2, OCH2, CH3। ठीक है, ऐसा सिचुएशन रहेगा तो हमको अगर ऐसा सवाल दिया रहेगा तो ऑक्सीजन के जिस ओर कार्बन की संख्या ज़्यादा रहेगा, तो ऑक्सीजन यहाँ है, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ है, इधर भी दो कार्बन दिख रहा है, इधर भी दो कार्बन दिख रहा है, तो भाई किधर भी आप देख लो, हम जो है इधर इस बार देख लेते हैं कार्बन चैन। ठीक है, इधर कार्बन चैन चुन लिया, फिर बोला गया कि उधर से ही नंबरिंग करते हैं जिधर से ऑक्सीजन नज़दीक पड़ेगा, तो इसका पीसी का तो दो छोर हुआ, एक छोर यहाँ और एक छोर यहाँ, अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1, 2 पे ऑक्सीजन पड़ रहा है, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1, 2 पे वन पे ऑक्सीजन और 2 पे कुछ नहीं, तो हम इधर इसको इधर से ही नंबरिंग करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 पे हो जाएगा ऑक्सीजन और 2 पे विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 पे ऑक्सीजन है और 2 पे कुछ नहीं है, तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ 1 और यहाँ पे 2। और फिर देखा जाए कि इतना चीज करने के बाद सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते हैं ना, तो इस पीसी का सब्स्टिट्यूएंट कौन है,
तो इस पीसी का सब्टिट्यूएंट है ओ सी एच टू सी एच थ्री। दोस्तों अगर इसको अच्छा से लिखा जाए तो ओ हो गया कार्बन एक और एक दो हो गया कार्बन दो, हाइड्रोजन दो और तीन हाइड्रोजन पांच। तो देखिए अगर ओ सी टू एच फाइव रहता तो हम लोग इसको क्या देते नाम, एथॉक्सी देते, तो इसलिए इस पूरा का नाम हो गया दोस्तों एथॉक्सी। सबको एक साथ मिला दीजिए तो ये इस रूप का बनेगा, और इस रूप का जब बनेगा तो हम लोगों को इसका नाम पता है, जिसका नाम पर क्या क्या होता है, एथॉक्सी होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा एथॉक्सी, एथॉक्सी, एथॉक्सी। और कितना कार्बन का चैन है, दो कार्बन का चैन है, तो मेथ और एथ, दो के लिए तो एथ होता है लेकिन उसमें जोड़ेंगे एन, तो ये हो गया एथेन। तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन, ठीक है। चलिए फिर आते हैं थर्ड नंबर पे, क्या है, सी एच थ्री ऑक्सीजन, सी एच टू और सी एच थ्री, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन के जिस ओर कार्बन की संख्या ज़्यादा रहता है हम लोग उधर ही पीसी चुनते हैं, तो ऑक्सीजन के इस ओर ज़्यादा संख्या है क्योंकि ऑक्सीजन के इस ओर एक कार्बन है, इधर ऑक्सीजन के दूसरे तरफ दो कार्बन है, दो कार्बन को हमने क्या कर दिया, चैन में शामिल कर दिया। अब इधर चैन में जब शामिल कर दिया तो किधर से नंबरिंग करेंगे भाई, या तो इस छोर से नंबरिंग हो सकता है वन टू, नहीं तो वन टू, क्योंकि एक छोर से चलते चलते दूसरे छोर तक जाते हैं। तो ये अगर यहाँ से करेंगे तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि उधर से ही नंबरिंग करेंगे पीसी में, जिधर से ऑक्सीजन नज़दीक पड़ेगा, तो यहाँ इधर से ऑक्सीजन नज़दीक पड़ रहा है तो इधर वन इधर टू, तो इसका नाम होगा ओ सी एच थ्री। ओ सी एच थ्री का मतलब मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, और दो कार्बन का चैन है तो मेथ एथ, तो यहाँ हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन, ठीक है, मेथॉक्सी एथेन। फिर अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर फोर कुछ इस तरीके से है, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ सी एच टू सी एच थ्री, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन के एक तरफ कितना कार्बन है, तीन कार्बन, और ऑक्सीजन के दूसरे तरफ कितना कार्बन है, दो कार्बन है, ऑक्सीजन के दूसरे तरफ दो कार्बन और ऑक्सीजन के एक तरफ तीन कार्बन, तो कितना कार्बन को हम चैन में शामिल करेंगे, तीन कार्बन को चैन में शामिल करेंगे क्योंकि ज़्यादा है कार्बन, तो इधर तीन कार्बन को अगर शामिल करेंगे चैन में तो आप देख पा रहे होंगे नंबरिंग किधर से करेंगे, वन से इधर से कि इधर से, तो हमको पता चला इधर से करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन नज़दीक पड़ेगा तो वन टू थ्री, अब इधर जोड़ा हुआ क्या है, ओ सी टू एच फाइव, ओ सी टू एच फाइव, ठीक है। तो ओ सी टू एच फाइव ये कितना है, ओ सी टू एच फाइव यहाँ पे एथॉक्सी, ठीक है, ओ सी टू एच फाइव एथॉक्सी, तो यहाँ हो जाएगा एथॉक्सी, एथॉक्सी, क्योंकि ओ सी टू एच फाइव एथॉक्सी हुआ, और एथॉक्सी और कितने कार्बन का चैन है, तीन कार्बन का चैन, तो मेथ एथ प्रोप प्रोपेन, ठीक। तो एथॉक्सी प्रोपेन ये हम लोगों का इसका नाम हो गया आईयूपीएसी नाम, यानी कि सिंपल है। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऑक्सीजन के जिस ओर कार्बन की संख्या ज़्यादा होगा हम लोग उसी का नंबरिंग करेंगे। एक और एग्जांपल को देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन इस बार ऐसे है, सी एच थ्री सी एच सी एच टू सी एच थ्री ऑक्सीजन सी एच थ्री, ठीक है। देख पा रहे होंगे ऑक्सीजन यहाँ बीच में क्या है, ऑक्सीजन है,
और ऑक्सीजन के एक तरफ कार्बन की संख्या 4 है और ऑक्सीजन के दूसरे तरफ एक ही कार्बन है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन के एक तरफ कार्बन 4 है और ऑक्सीजन के दूसरी तरफ संख्या 1 है, तो हम लोग इसको जो है पीसी में शामिल करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन के एक तरफ में 4 कार्बन परमाणु है और दूसरे तरफ एक कार्बन परमाणु है। अब इधर जो 4 कार्बन परमाणु है, अब इसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे। कैसे नंबरिंग करेंगे? तो या तो यहाँ से कर सकते हैं या तो यहाँ से कर सकते हैं। तो 1 से इधर करेंगे तो 1 2 3 4 जाएंगे, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 जाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन किधर से पड़ रहा है? इधर से नज़दीक पड़ रहा है, 1 2 पे पड़ रहा है, इधर से 3 पे पड़ रहा है। तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे जब अगर ऐसा आता है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि 2 पे ना जुड़ रहा है ये पूरा, इधर तो 1 1 पे बोल रहा था, तो हम यहाँ पे 1 मेथॉक्सिल लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। जब यानी कि 1 पे अगर जुड़ा रहे तो हम नहीं लिखना होता है 1 1 मेथॉक्सी 1 एथॉक्सी, नहीं लिखना होता है। लेकिन इस बार 2 पे ना जुड़ रहा है तो यहाँ पे आप लिख देना 2 2 पे, यानी कि पता चल रहा है कि दूसरे वाले पे जुड़ रहा है। अगर यहाँ पे जुड़ रहा होता है ना 1 पे, तो 1 यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं समझा जाता है। ठीक है, 1 एथॉक्सी नहीं लिखा जाता है, सिर्फ वैसे ही लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे 2 पे जुड़ रहा है तो 2 लिख देंगे, और OCH3 है तो OCH3 का मतलब 2 मेथॉक्सी 2 मेथॉक्सी। और टोटल कितना कार्बन का चेन है? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का होता है मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, तो ब्यूट में एन जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, तो 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन इज करेक्ट आंसर। फिर देखा जाए पांचवा ऐसा क्वेश्चन है, CH3 ऑक्सीजन CH2 CH3। आप बता सकते हैं इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक ओर ये कार्बन परमाणु है, दूसरा ओर ये कार्बन परमाणु है। अब दोनों में देखिए तो सबसे ज़्यादा कार्बन किस में है? तो नीचे वाले में। तो हम इसको पीसी चुन लिए। ठीक है, इसको पीसी चुन लिया। अब इसको जब पीसी चुन लिया तो अब देखना है कि किधर से ऑक्सीजन नज़दीक पड़ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे 1 2 3, इधर से भी 2 नंबर पे पड़ रहा है ऑक्सीजन, 1 2 3, इधर से भी 2 नंबर पे पड़ रहा है। तो आप किधर से भी कर लो, आप इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, 1 2 3। अब 2 पे क्या जुड़ रहा है? तो OCH2CH3, तो CH2CH3 को एक साथ मिलाएंगे तो C2H5 मिल रहा है। तो OC2H5 का मतलब एथॉक्सी होता है, जो कितना पे जुड़ रहा है? 2 पे, तो 2 एथॉक्सी। और कितना कार्बन का चैन है? 3 कार्बन का चैन है, तो मेथ एथ प्रोप, और प्रोप में एन जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्रोपेन। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे होंगे चीज़ों को कि हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको ऐसे ही कुछ लिखने के लिए देते हैं जो आपको लिखना है। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाई देते हैं, अगर कैसा सिचुएशन रहेगा तो हम लोग कैसा लिखेंगे। अगर मान लिया ऐसा क्वेश्चन रहा, जैसे छठा क्वेश्चन CH3 रहा, ठीक है, CH CH F CH Cl CH3, यहाँ ऑक्सीजन CH3। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन रहा दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये बोले हैं कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन, तो एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक तरफ इधर 5 कार्बन है और ऑक्सीजन के एक तरफ एक कार्बन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के तरफ जिधर कार्बन ज़्यादा रहेगा, तो इधर कार्बन ज़्यादा है तो इसको आप पीसी चुन लेंगे। ठीक है,
इसको पीसी चुन लेंगे। पीसी चुनने के बाद नंबरिंग करना है, किसको देखकर? ऑक्सीजन को देखकर। तो इधर से 2 नंबर पे पड़ रहा है, तो हम लोग जिधर से नज़दीक पड़ता है ऑक्सीजन, उधर से ना करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग करने के बाद आपको अदर सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना है। जैसे 3 पे फ्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा 3 फ्लोरो कॉमा 4 क्लोरो। 4 पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, ये सब तो जानते ही हैं। तब कॉमा देकर फिर से लिखेंगे कि अब लिखेंगे अंत में कि 2 पे क्या जुड़ रहा है, मेथॉक्सी। तो 2 मेथॉक्सी, कितना कार्बन का चैन है? 5 कार्बन का चैन, यानी कि पेंटेन। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोग ऐसे सिचुएशन में ऐसे नाम लिखना है। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं। 7वां क्वेश्चन, ये खुद आप कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस लिखा जाए। CH3, CH, यहाँ CL, CH, O, CH2, CH3, यहाँ पे CH3। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिख पा रहा होगा ना, फिर 8वां। CH2 O CH AT CH2 CH3, इस तरीके से है। और इसका आप नाम लिखिएगा। नवा CH3 CHBr CHI CH2 O CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 10। इस बार क्वेश्चन CH3 CH2 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3। 11 नंबर क्वेश्चन CH3 CH फ्लोरीन CH ब्रोमीन। फिर आगे CH2 O CH2 CH3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 CH2 CH2 सॉरी CH3 CH2 CH2 O CH2 CH ब्रोमीन CH क्लोरीन CH2 CH3। कुछ इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चंस दिख रहा है आपको, ये जितना भी क्वेश्चंस छोड़े हुए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इनका हमें IUPAC नाम लिखना है। आप ज़रूर से ज़रूर इनका IUPAC नाम लिखिएगा। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, फिर टॉपिक्स देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है किण्वन। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि किण्वन क्या है या फिर इसका डेफिनेशन क्या है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो टॉपिक्स दिया जाए किण्वन, इसके नीचे एरो देंगे, लिखा जाए कार्बनिक यौगिकों के अणु
कार्बनिक यौगिकों के अणु जीवों द्वारा मंद गति से अपघटित होकर मंद गति से अपघटित होकर सरल यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। सरल यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। इस क्रिया को किण्वन कहा जाता है। इस क्रिया को किण्वन कहा जाता है। इस क्रिया को किण्वन कहा जाता है। एग्जाम्पल पहला गन्ने के रस से दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना। एग्जाम्पल नंबर थर्ड उसके नीचे गीले आटा का खट्टा होना। गीले आटा का खट्टा होना। नंबर फोर जैव पदार्थों का सड़ना। जैव पदार्थों का सड़ना। तो किण्वन किसको कहते हैं? तो जो भी कार्बनिक यौगिक के अणु होते हैं ना, वो मंद गति से धीरे धीरे अपघटित होते हैं, जिनसे उनका स्वाद में भी परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे दूध से दही एक मंद गति से का विक्रिया है, दूध से दही में परिवर्तित हो जाता है। गन्ने के रस जो है सिरका का बनना, सिरका बन जाता है। तो ये सब जो भी जीवों द्वारा यानी कि एंजाइम द्वारा ये सब परिवर्तित किया जाता है। तो ये सब जो क्रिया है बहुत ही मंद अभिक्रिया है, जो कार्बनिक यौगिक के द्वारा अपघटित हो जाता है, चेंज जाता है। इस क्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं। अब बात किया जाए नेक्स्ट एरो लिखेंगे। किण्वन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किण्वन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला पहला हो गया ताप, दूसरा सांद्रण, तीसरा विलयन की प्रकृति। विलयन की प्रकृति यानी कि अगर बोला जाए कि किण्वन जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो किण्वन जो है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला ताप पर, सांद्रण पे, विलयन की प्रकृति पे। तो अगर कोई पूछेगा कि किण्वन जो है किस किस के वजह से इफेक्टिव है, तो टेम्परेचर और सांद्रण के बारे में हम लोग पढ़े ही हैं, और विलयन का प्रकृति कि वो विलयन किस तरह का है उस पे भी निर्भर करता है। तो ये किण्वन जो है यही तीन बातों पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से हम लोग आज किण्वन के बारे में पढ़े हैं, इथर का IUPAC नाम पढ़े। तो इसके अगली क्लास में हम लोग स्पेशल कोई कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, उसके अभिक्रिया को देखेंगे, उसके अणुसूत्र को पढ़ेंगे। तो वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।